गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करनैल सिंह संधु, TGT आर्ट्स, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टांगनू, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी बुक का क्लाइमेट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ पढ़ा सुना, उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार रिकॉल करते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो वो हमने पढ़ा था जलवायु और मौसम में अंतर। क्योंकि जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आज मैं भी आपके सामने इस ओपन एनवायरनमेंट में आया हूँ ताकि जलवायु को हम अच्छे से समझ सकें, मौसम को अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, सबसे पहले तो क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जो जलवायु है वो सम टोटल है हमारे जो वातावरण है उसमें होने वाली घटनाओं का। अब वो क्या क्या चीज़ होती हैं, देखिए अभी बादल है, कुछ ही पल में यहाँ धूप आ जाएगी, धूप आ भी रही है, बादल भी हो रहे हैं। इसके कुछ क्षणों बाद अगर इसमें वर्षा हो जाती है, कुछ क्षणों बाद कहीं ऊपर वाले इलाके में बर्फ़ पड़ जाती है, तो ये सारी घटनाएं हैं हमारे जो है वातावरण में होने वाली। इन सब का जो जोड़ है उसे हम मौसम, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं यानी कि जलवायु कहते हैं। और जो जलवायु है वो बड़े क्षेत्र के लिए होती है और बहुत लंबे समय के लिए होती है। लंबे समय मतलब लगभग 30 साल के पीरियड में जब ये सारी घटनाओं को हम जोड़ते हैं तो उसे हम जलवायु कहते हैं। तो बच्चों, मौसम क्या है फिर? मौसम एक घंटे से दूसरे घंटे में बदलने वाली जो घटनाएं हैं हमारे वातावरण में, जैसे मैंने अभी बताया, अभी ये बादल हो रखे हैं और अभी धूप आ जाएगी, कुछ ही क्षणों बाद बारिश हो जाएगी, इसे मौसम कहते हैं। और यही कारण है कि आप जब टेलीविज़न देखते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है 24 घंटे की वेदर रिपोर्ट पड़ी जाती है। वेदर यानी कि मौसम की जो है घटनाएं वो बताई जाती हैं, जिसमें तापमान के बारे में बताया जाता है, वर्षा के बारे में बताया जाता है, कहीं अगर चक्रवात आने हो तो उसके बारे में बताया जाता है, ह्यूमिडिटी उमस के बारे में बताया जाता है। तो ये सारे जो है मौसम और जलवायु से रिलेटेड जो है वो चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, आज का जो मुख्य हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की जलवायु है, और आई होप कि आपको मानसून के बारे में पता होगा। एक बार दोबारा मैं पुनः इसे रिपीट करता हूँ कि मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है सीजन्स, ऋतुएं यानी कि, या विंड का बदलना, हवाओं का बदलना। जो हवाएं कुछ समय के लिए स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं या कुछ समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो इन हवाओं को हम मानसून पवने कहते हैं, और यही भारत की जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं, और भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु हम कहते हैं। तो इसे प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है उसे दो भागों में हमने बांटा है, रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ और रिलेटेड टू प्रेशर एंड विंड। तो जो सबसे पहला वाला है हमारे पास रिलेटेड टू रिलीफ, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। अक्षांश भी हमारे जो है जलवायु को प्रभावित करता है, मानसून प्रकार की जलवायु को। ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, धरातल से समुद्र तल से हम ऊपर जैसे जाते हैं वैसे भी जलवायु जो है वो प्रभावित होती है। भारत में जो है बहुत जगह पर ऊंची जगहें भी हैं, बहुत जगह नीची जगह भी हैं। उसके बाद आता है रिलीफ यानी कि धरातल किस प्रकार का है, कहाँ पर स्थित है, कैसा धरातल है। उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी, जिस प्रकार समुद्र से हम दूर जाते जाएंगे जलवायु मौसम अलग होता जाएगा। उसके बाद है हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन का भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, पानी और समुद्र का डिस्ट्रीब्यूशन, कितना पानी और कितना लैंड पार्ट है हमारे इंडिया में, वो हमारी मानसून प्रकार की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट साइड एयर प्रेशर में, हम देखेंगे सरफेस प्रेशर एंड विंड के बारे में, अपर एयर सर्कुलेशन जो हमने कल पढ़ा था, जेट स्ट्रीम के बारे में हमने पढ़ा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ा था, और वेस्टर्न साइक्लोन, इसमें हमने एल नीनो इफेक्ट भी पढ़ा था।
तो उन सारी चीज़ों को अब हम इसमें डिटेल से देखेंगे जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। जैसे कि आप इस ग्लोब में देख रहे होंगे, इस चित्र में देख रहे होंगे कि भारत बना हुआ है, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर बनी हुई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, और ये गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो इसका यह इफ़ेक्ट है भारत की जलवायु में कि भारत में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की जो है वो क्लाइमेट पाया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों का यहाँ पे मिश्रण है, दोनों की विशेषताएं भारत में पाई जाती हैं। अब सपोज करो अगर कि भारत यहाँ पर स्थित होता तब क्या होना था, तब भारत एक ठंडा प्रदेश होना था, तब यहाँ पर जो है फ्रिजिड जोन जो है वो पाई जाती है, जहाँ सादा सारा साल बर्फ जमी रहती है, यहाँ धूप नहीं खिलती है, तो ऐसा प्रदेश भारत होना था। लेकिन जो अक्षांश है, भारत किस अक्षांश पर है, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इस कारण भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई का भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु से सीधा संबंध होता है। देखिए कोई भी क्षेत्र है वो अगर ऊंचे क्षेत्र एरिया में है तो वहाँ की जलवायु जो है वो अलग होगी और नीचे क्षेत्र की जलवायु और अलग होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है वो कम होता है। 165 मीटर हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, शिमला वगैरह एरिया में जाएंगे, हम लाहौल स्पीति में जाएंगे, हम रोहतांग दर्रे पर जाएंगे हम, तो वहाँ पर तापमान कितना कम होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ तापमान लगा लीजिए कि कितना कम होगा, तो वो भी उस क्षेत्र की जलवायु को जो है वो प्रभावित करता है। इस मैप में आप देख रहे होंगे आगरा और दार्जिलिंग, ये दो जगह बनाई हुई है, दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि आगरा जो है वो उसकी हाइट कम है और जो दार्जिलिंग है उसकी बहुत हाइट है, और यही कारण है कि दोनों के तापमान में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। अगला है बच्चों धरातल। अब वो धरातल कहाँ पर स्थित है, यह भी उस पर जगह की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। जैसे कि आप इस मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये ग्रीन क्षेत्र में ये धरातल बनाया गया है, ये जो है वेस्टर्न घाट बना हुआ है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है, पश्चिमी क्षेत्र में है। तो जब ये मानसून पवने यहाँ से चलती हैं तो ये माउंटेन से वेस्टर्न घाट यहाँ पे माउंटेन है इसे टकराती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल करती हैं, और फिर जब ये पवने आगे चलती हैं तो यहाँ पर जो है बहुत कम वर्षा करती हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा, मैंगलोर और बेंगलोर, वेस्टर्न घाट के मैंगलोर जो है वो जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिम में स्थित है और बेंगलोर जो है पूर्व में स्थित है। एक ही समय में दोनों क्षेत्र में जो है वर्षा में बहुत अंतर पाया जाता है। वह यह कि जब वर्षा होती है तो मैंगलोर बहुत अधिक वर्षा रिसीव कर रहा होता है जबकि बेंगलोर में बहुत कम वर्षा होती है। उसका कारण यही है कि वो धरातल जो है एक वेस्टर्न घाट के वेस्ट में स्थित है और एक ईस्ट में स्थित है, तो रिलीफ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में। अन्य फैक्टर है बच्चों जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, सरफेस विंड यानी धरातलीय पवने। जो पवने चलती हैं वो भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे भारत की जलवायु को भी ये विंड जो है प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आपको पवने पता होना चाहिए वो किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर जो है वो चलती हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपने, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये है हाई प्रेशर एरिया और विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलती हैं। अब आप पूछेंगे कि उच्च वायुदाब कहाँ बनेगा, तो इसका सीधा सीधा संबंध तापमान या टेम्परेचर से होता है। जहाँ लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है, और लो प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है। तो पवने मुख्यतः उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूँ आपको, इस समय ऊना डिग्री में 40 डिग्री टेम्परेचर है और
शिमला के रोहडू एरिया में इस समय जो उसके ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर करीब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तापमान वहाँ कम है तो वायु दाब अधिक होगा। यहाँ तापमान अधिक है ऊना में, तो यहाँ जो वायु दाब है वो कम होगा, तो पवने जो हैं शिमला से ऊना की ओर चलेंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी, तो ये पवने जो है किसी भी क्षेत्र की जो है जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार भारत की जो है जलवायु उनको भी ये पवने जो है स्थानीय पवने प्रभावित करती हैं। जैसे मैप में भी आप देख सकते हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया जो ये है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर दोनों साइड से जो है पवने चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर। एक अन्य फैक्टर है बच्चों जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे कि हमारा देश बहुत ही भाग्यशाली देश है जिसके कि तीनों ओर, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो हमारे कोस्टल रीजन है, जो ये हमारी जो है तटीय पट्टी है, यहाँ पर जो है तापमान सम रहता है सारा साल, ना ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा अधिक सर्दी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इंटीरियर पार्ट में आएंगे इंडिया के, वैसे वैसे तापमान जो है हमारा बदलता रहता है, जलवायु बदलती रहती है। तो नॉर्थ इंडिया में जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो यह भी फैक्टर है सी से दूरी का, समुद्र से दूर रहने का। तो बच्चों अंतिम पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस। जिस क्षेत्र के पास समुद्र होगा वहाँ पर जो है जलवायु अलग होगी। जैसे कि आपको बताएं कि जो जो लैंड है, जो भूमि है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है अपेक्षाकृत समुद्र से, पानी से। तो वो जितनी जल्दी गर्म होगी और ठंडी होगी उतने ही ज़्यादा जो है विंड का सर्कुलेशन जो है वो उस क्षेत्र में चलेगा, पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं चलेंगी, जिस प्रकार से तापमान में चेंजेस आते रहेंगे। तो अंत में बच्चों इतना ही कि भारत का जो जो मौसम है, जो भारत की जलवायु है मानसून प्रकार की, उसके बारे में आपको पता लगा होगा। इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको पता चले होंगे। धन्यवाद।